मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने जितनी भी पहली भर्तियां थी नॉर्मल भर्तियां उनको सबको रद्द कर दिया है और अब ये केवल टीओडी भर्ती है। इसमें आप अच्छी तरह से जो भी रिटर्न एग्जाम था सारा था वो जो पहले भर्तियां हुई थी वो सारी रद्द हो गई हैं। केवल आपको आर्मी में जाने के लिए टीओडी ही मात्र आपके लिए लक्ष्य है। एयरफोर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अभी आ रहा है 24 तारीख को और उसके बाद में 25 तारीख को नेवी का आ रहा है, इसके बाद में 1 तारीख को आर्मी का आ रहा है। आप इतनी मेहनत करने के बावजूद यदि आप अनगर्ल कहीं भी सुन करके यदि इसमें भर्ती में नहीं खड़े होंगे तो आप पछतावा के सिवाय आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। तो आज ये अवगत कराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने आपको फिजिकल के लिए 45 से 60 दिन का वक्त दिया है और पूरे हिंदुस्तान में 83 रैलियाँ करेंगी। तो आप जहाँ भी हो जिस जगह पे हो जहाँ आप मेहनत करते हो लगन के साथ लग जाइए तो कर्म करता है सफल होगा। इसलिए मैं लाग लपेट से नहीं कह रहा हूँ, ये सही बात है, आप किसी को नहीं सुने। मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी न तो गलत रास्ते पे जाएगा, अपने कैरियर के बारे में सोचेगा कि मुझे करना क्या है। आपको करना यही है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत में लग जाइए और जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रही है उसको आप अवेल कीजिए। आगे से आगे आगे से आगे इसमें आपका सुधार ही होता जाएगा क्योंकि ये स्कीम नई है। गवर्नमेंट भी इस आगे देखेगी क्या क्या फायदे इसमें, क्या इसमें फायदा है क्या नुकसान है, उसके अनुसार बढ़ते जाएंगे। आपने सुना होगा पहले कि पहले दो साल का आपको पीरियड नहीं दिया था, अब गवर्नमेंट देखा कि बच्चे रह गए हैं तो 2 साल का पीरियड दे रहे हैं। सोचिए जरा, इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो और कहीं भी सेट नहीं रहे और कहीं भी सेट नहीं होगे तो न तो घर के रहोगे न घाट के रहोगे। तो आर्मी में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, वहां पे आपको बहुत सारे कोर्स करने का टाइम मिलेगा, आपके 2 साल तो बर्बाद ही नहीं हो रहे। आप ये 10वीं पास जा रहे हो तो 12वीं पास तो गवर्नमेंट वैसे ही करवा रही है भाई, 4 साल में 2 साल तो वैसे ही आपकी एजुकेशन में निकल जाएगा। तो इसमें डीमेरिट को न देखें, ये देखें कि अब मेरे को मेहनत में विश्वास करना है, एग्जाम को अच्छी तरह से फाइट करो और आगे जो भी आपको सुविधा मिलती है उसको लेने की कोशिश करें। न तो आपको कोई सहायता करने वाला, इसमें जो देश का ट्रेंड है उसके अनुसार चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे।